इस वर्ष मानसून की बेरुखी के कारण सूखे की स्थिति हुई है। जुलाई माह में पूरे राज्य में औसत वर्षा 5 से 60% कम वर्षा हुई, जिसके कारण सूखे की स्थिति उत्पन्न हुई और जिससे फसलों की रोपनी समय पर नहीं हो सकी। 1 जून से 14 अगस्त तक औसत वर्षापात में 40% की कमी हुई है, जिससे धान रोपनी 80% ही हो पाई है। किसानों को बिचड़ा एवं फसलों की सिंचाई हेतु डीजल अनुदान 60 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 75 रुपये प्रति लीटर दिया जा रहा है। डीजल अनुदान के लिए अभी तक लगभग 1,02,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 48,506 आवेदनों का सत्यापन हो गया है तथा 11,243 किसानों को डीजल अनुदान दिया जा चुका है। आगे सभी इच्छुक लोगों को इसका भुगतान किया जाएगा। अच्छी खासी संख्या में किसानों के लिए डेडिकेटेड कृषि फीडर के तहत उपलब्ध विद्युत कनेक्शन में सिंचाई की जा रही है। कृषि कार्यों के लिए बिजली दर को पहले से ही घटाकर 65 पैसे प्रति यूनिट कर दिया गया है, जिससे बिजली से सिंचाई करना लगभग 20 गुना सस्ता पड़ता है। कृषि के लिए प्रतिदिन 16 घंटे बिजली की निर्बाध आपूर्ति की जा रही है। कृषि कार्य से जुड़े ट्रांसफार्मर यदि खराब होते हैं उन्हें तत्काल बदला जा रहा है। जो किसान धान की रोपनी नहीं कर पाए हैं उनके लिए आकस्मिक फसल योजना के तहत कम अवधि के फसलें जैसे मक्का, कुलथी, उड़द, तोरिया, मटर, भिट्टी आदि के बीज निःशुल्क उपलब्ध कराने की पूरी तैयारी की जा चुकी है, ताकि किसानों को कुछ न कुछ आमदनी जरूर हो सके। हमारा शुरू से ही संकल्प है, राज्य के खजाने पर आपदा पीड़ितों का पहला अधिकार है। यहाँ हर आपदा पीड़ित को सहायता दी जाती है, चाहे सुखाड़ हो या बाढ़ हो। अब आपदा की स्थिति से निपटने के लिए विद्यालयों में कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसमें बच्चों को भूकंप से बचने के लिए मॉक ड्रिल तथा अन्य माध्यम से आपदाओं से निपटने के विषय में बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चों के डूबने की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए बच्चों को तैरना सिखाया जा रहा है। साथ ही दिव्यांग बच्चों को आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।